इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी भाई ईसा का इंसाफ की कसाई सबके लिए के बाद से सपोर्ट दिन से खिताब। खातीन की हर शोबे में नुमाइंदगी जरूरी है। खातीन के हकूक के तहफ़ के लिए नए कानून भी लाए जा सकते हैं। खातीन को उनके हकूक आईने पाकिस्तान ने दिए हैं। हर शोबे में खातीन की शमूलियत को यकीनी बनाया जाएगा। सबने में मखसूस नशितों पर आने वाली खातीन की कारकर्दगी मर्दों से बेहतर होती है। खातीन सिर्फ मखसूस नशितों पर नहीं बराह रास्त मुंतखब होकर भी आ सकते हैं। 5 से 16 साल के बच्चों को तालीम लाजमी हासिल करनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मजीद कहा, कुरान में खातीन पर इल्जाम लगाने या बेहरमती करने पर 80 करोड़ों की सजा। वफाकी बजट 2024 की मंजूरी के साथ ही IMF ने फिर डू मोर का मुतालबा कर दिया। ज़राए वज़ारते खजाना के मुताबिक IMF 10 जुलाई से कबल बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा चाहता है और आलमी मालियाती फंड की जानिब से मुतालबा किया गया कि 1 जुलाई से पेशगी इकदाम के तहत नरखों में इजाफे पर अमल दरामद किया जाए। IMF ने मुतालबा किया है कि बिजली महंगी करने के लिए नाफ्टा के फैसले पर फौरी अमल दरामद किया जाए, नए माली साल में गैस के रेट बढ़ाकर सब्सिडी कंट्रोल की जाए और नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की पेश की शराइत पर अमल दरामद किया जाए। ज़राए का मजीद कहना है कि IMF के वक्त का जुलाई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आने का इम्कान है। IMF ने बजट में सख्त मौसमी फैसलों को सराहा है। ऑपरेशन अजमे इससे काम फौज की नहीं बल्कि हमारी जरूरत है। बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, माजी में किए जाने वाले फौजी ऑपरेशन के बाद मुल्क में दहशतगर्दी दोबारा बढ़ने की तवक्को नहीं थी। दहशतगर्दी की हालिया लहर से निपटने के लिए नए जज्बे और शिद्दत के साथ ऑपरेशन की जरूरत है। ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता एक दहाई में कई ऐसे वाकयात हुए जो बढ़ती दहशतगर्दी का बाइस बने। उम्मीद थी कि अफगान हुकूमत हमसे तआवुन करेगी मगर वो तालिबान अक्सरियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नजर नहीं आए क्योंकि वो इनके इत्तेहादी थे। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे। मुसल्ला फौज दहशतगर्दी से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का कराची में पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 121वीं मिडशिप मैन की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले कैडेट्स और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान नेवल एकेडमी मयारी तरबियत फराहम कर रही है। कैडेट्स जदीद ट्रेंडर से खुद को आरास्ता कर रहे हैं। उम्मीद है कि दोस्त ममालिक के कैडेट्स तालुकात के फरोग के लिए किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। पासिंग आउट परेड के दौरान 70 मिडशिप मैन और 28 SSP कैडेट्स फारिग तहसील हुए। पाकिस्तान नेवी 29वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स के कैडेट्स भी पास आउट हुए। तकरीब के दौरान एडमिरल नवीद अशरफ ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में इनाम तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब और मुस्लिम लीग नून के सदर की ज़ेर सदारत 5 घंटे तवील खसूसी इजलास। मरी डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब ने तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में डेवलपमेंट ब्यूटिफिकेशन ट्रांसपोर्ट तामीर और बहाली के प्रोजेक्ट्स रावलपिंडी तमरी टूरिस्ट ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट की भी मंजूरी दे दी गई। इजलास में
टूरिस्ट ब्लास्ट ट्रेन के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट की खिदमत हासिल करने का फैसला किया गया। जीपीओ चौक से होटल मुतबादिल मकाम पर मुंतकिल करने की तजवीज पर इत्तेफाक हुआ। माल रोड पर कदीमी इमारतों की यकसा सूरत हाल, साइन और क्लियर स्कीम नाफिज करने की भी हिदायत कर दी गई। इजलास में मरी समेत हर शहर, इलाके, तारीखी इमारत के कदीमी नाम बहाल करने का फैसला किया गया। मरी में तामीरात के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स में तरामीम मंजूरी का इख्तियार सूबाई सतह पर मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी गई। पीने के पानी की फराहमी के लिए करील औस्त और तवील मुद्दती जामे प्लान पेश किया गया। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ का कहना था कि गरीब आदमी को तंग ना किया जाए। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने बड़ा फैसला करते हुए अंतिया में मुदाखलत रोकने के लिए 5 निकाती SOPs जारी कर दिए। जस्टिस शाहिद करीम ने 4 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी अबूरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हिना हफीजुल्ला को अदालती मावन मुकर्रर किया गया। SOPs में कहा गया है कि वज़ीर आज़म ऑफिस हसास इदारों को हिदायत जारी करे कि वो मुस्तकबिल में आला अदलिया और मातहत अदलिया के किसी भी जज या उनके अमले को अप्रोच ना करे। आज पंजाबी मातहत अफसरों को अदलिया में मुदाखलत से रोकने की हिदायत जारी करे। फैसले के मुताबिक ATC अदालतों की सिक्योरिटी के हवाले से अगर कोई हिफाजती इकदाम करने हैं तो मुतल्लिका जज से मुशावरत और इत्तेफाक राय के बगैर नहीं किए जाएंगे। ATC के जजेस अपने मोबाइल में हर कॉल को रिकॉर्ड करें और पंजाब की इस्तेदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालतें नोबाई के तमाम केसेस का तरजीह की बुनियादों पर फैसला करें। हामिद खान जैसे लोग PTI को बर्बाद कर रहे हैं। फवाद चौधरी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा हामिद खान चाहते हैं इनसे कद से बड़े लोग PTI में ना आए जो आज मुकदमात का सामना कर रहे हैं, यही असल PTI वाले हैं। ख्वाजा आसिफ ने गैर मुनासिब बयान दिया। ऑपरेशन असबे इस्तेकाम शुरू होने से पहले ही मुतनाज़े हो गया। अपोजिशन को इत्माद में लिए बगैर कुछ नहीं कर सकते, ये अपनी मर्जी की तरामीम ला रहे हैं। जजिस के तबादले की तरामीम से अदलिया का बेड़ा गर्क हो जाए। पंजाब असम्बली में हंगामा आरई के बाद स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने एथिक्स कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि जमहूरियत की रवायात की पासदारी बहुत जरूरी है। पार्लियामान की तौकीर और एहतराम सब पर लाजिम है। हमें एक ज़ाब्ता अखलाक बना लेना चाहिए। मुकद्दस ऐवान के तकद्दस का ख्याल रखना सबकी जिम्मेदारी है। इसकी तनजली अपने ज़ाती मफादात की खातिर की जा रही है। पहले इस ऐवान में नारेबाजी की जाती थी लेकिन अब माँ बहन की गालियाँ दी जाती हैं जो कि काबिले कबूल नहीं। ऐवान को चलाना मेरी जिम्मेदारी है, किसी सूरत माहौल खराब नहीं होने दूंगा। गंदी जुबान इस्तेमाल करके एक दूसरे को इश्तियाल नहीं दिलाना चाहिए। एहतजाज सबका हक है। अब एहतजाज गलीस गालियों तक पहुंच चुका है। पहले हुलड़बाजी शोर शराबा था, अब बात गालम गलोच तक पहुँच गई है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं, मूसलाधार बारिश और ज्यालाबारी से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी से मुरझाए चेहरों पर मुस्कराहटें लौट आईं। बागवानपुरा, फरकाबाद, लक्ष्मी चौक, मून मार्केट, धर्मपुरा समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश, तेज हवाएं चलने लगी। कमिश्नर लाहौर ने वास्ता लाहौर का मुतहरिक रहने की हिदायत जारी कर दी। सालकोट में तेज आंधी के बाद बारिश, हाफसाबाद शहर और गिरदो नवाब में भी ठंडी हवाओं के साथ बारिश, काली घिटाओं के साथ मौसम खुशगवार हो गया। शकरगढ़, किरदारपुर, नूरकोट में भी मूसलाधार बारिश गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे।
जायदाद का तराजा, हैदराबाद में बदतरीन संगदिली का वाकया। लतीफाबाद में चची और भतीजी को दीवार में चुनवा दिया गया। खातून और इसके देवर के दरमियान मिल्कियती का तनाजा था। देवर और इसके बच्चों ने कमरे की दीवार चुनवा दी। 28 घंटे बाद दीवार तोड़कर खातून को निकाल लिया गया। पुलिस ने दो मुल्जिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। शहर कायद कराची में मुहर्रम उल हराम के दौरान बगैर इजाजत जुलूस और रैलियां निकालने पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमे दाखला सिंध की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इतलाक यकुम मुहर्रम से 10 मुहर्रम उल हराम तक रहेगा, जबकि 9 और 10 मुहर्रम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। महकमे दाखला सिंध की जानिब से मजीद कहा गया कि मुहर्रम उल हराम के दौरान असले की नुमाइश और ड्रोन उड़ाने पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। मियाँ चन्नू में 2.5 फिट का दूल्हा 2 फिट की दुल्हन ब्याह कर घर ले आया। घर में जश्न का समा। बहार खूनी के रिहायशी 26 साल दिलावर का कद 2.5 फुट, इसकी जीवन साथी शेखुपुरा की अलीशा का कद 2 फुट है। दुल्हा शलवार कमीज में मलबूस गले में हार पहने रूसी जोड़े में दुल्हन को लेकर घर पहुंच गया। दुल्हे के रिश्तेदार दोस्त खुशी से निहाल खूब हल्ला गुल्ला किया। सीनियर अदाकार राशिद महमूद 45,000 का बिजली का बिल देखकर फट पड़े। बिल की तस्वीर शेयर करते हुए अरबाब इख्तियार को खड़ी खड़ी सुना दी और आप दीदा हो गए। राशिद महमूद ने बताया कि मेरे 701 यूनिट का बिल 45,378 रुपए आया है। मैं 4 मरतबा हार्ट अटैक के बावजूद अल्लाह के करम से जिंदा हूँ, लेकिन आज सोचता हूँ मेरे अल्लाह मुझे क्यों बचाया। मैंने अपनी सारी जिंदगी इस मुल्क की निहायत ईमानदारी के साथ खदमत की। हमारे कामों के बायस जहाँ अरबों रुपए इकट्ठे हुए, पिछले कई सालों से लाहौर में हमारे लिए कोई काम नहीं। अब मैं 45,000 बिजली के बिल की अदायगी के लिए पैसे कहाँ से लाऊं। सीनियर अदाकार ने आपदीदा होते हुए कहा कि मेरे पाक परवरदिगार, मैं गलत मुल्क में पैदा हुआ, हमने जिंदगी रब के खौफ से गुजारी, क्या यही हमारा कसूर है। मेरे मालिक मुझे उठा ले, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता।